नमस्कार दोस्तों, लेट्स बिगिन द डे विद द थॉट दैट मोर इज़ लॉस्ट विद द इन डिसीजन देन द रॉन्ग डिसीजन। वील टॉक अबाउट द कंझावला केस, रोड एक्सीडेंट केस ऑफ द विक्टिम। एंड नाउ न्यू थिंग्स आर कमिंग दैट सी वॉज नॉट अलोन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। सी वॉज अकॉम्पेंड विद हर her friend. In this case, people are raising finger over the boys who were driving. They said that they were alcoholic at that time. मैं इसका दूसरा पहलू के ऊपर कुछ अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा कि देखो, आई एम नॉट टेकिंग द साइड ऑफ दोज कल्प्रिट, बट डू यू थिंक दैट हर फ्रेंड is not equally responsible for the whole entire event, entire incident. At the right time, if her friend had raised the voice and had approached the police, then the situation would have been turned and maybe the victim girl uski bhi jaan bachayi ja sakti thi agar usne sahi se protest kiya hota. Abhi wo dekho police investigation mein samne aaya hai. And those who are raising the finger over the police, I don't agree with them. Police is doing their work and they are doing their job excellently. हर जगह में पॉसिबल नहीं होता है कि पुलिस आपकी मतलब एट द मतलब विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पुलिस को कैसे पता लगेगा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है. ठीक है, अच्छा ठीक है, पुलिस ने आफ्टर मतलब इवेंट क्या हुआ कि मतलब दे आर रेजिंग द क्वेश्चन ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस. पुलिस ने देखो ये भी निकाल लिया कि वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके सीसीटीवी फुटेज पूरा रूट वगैरह जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो कर रही है पुलिस. ठीक है, एंड वी बिलीव इन द सिस्टम. रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो जितनी 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 निंदा उन लड़कों की जाती है जो उस टाइम पे व्हीकल में ड्राइव कर रहे थे, उतनी ही निंदा उस लड़की की भी होनी चाहिए जो उसके साथ थी. पता नहीं क्यों लोग उसके मतलब ये फेमिनिज्म ठीक है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन क्या वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मतलब ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि मैं डर गया था, मैं डर गई थी. ठीक है, नहीं मेरे को नहीं लगता कि वो डर गई थी. मेरे को लगता है कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ ना कुछ फाउल प्ले इसमें हो रहा है. अगर एक्सीडेंट हुआ था वो वहाँ पे किसी को अप्रोच कर सकती थी पुलिस को. एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया होगा. उसने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल बताया होगा और उसके पेरेंट्स वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं. जहाँ पे मतलब आप ये सोचिए, ठीक है दुश्मन तो आपके बन जाते हैं, दुश्मन का आप पता भी करके रखते हो, लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों को अच्छे से चुनिए. ठीक है, कहीं आपके साथ भी कोई ऐसा दोस्त ना हो जो कि मुसीबत आने पर ये कह के भाग जाए, छुप जाए कि वो डर गया था. यहाँ पे जो दोस्त है वो मेरे को नहीं लगता वो कोई दोस्त है. वो दोस्त के रूप में दुश्मन से भी ख़तरनाक है. वो लड़की जो उसके साथ थी, जो विक्टिम गर्ल जो कंझावला केस में जो फंसी है, अभी कह रहे उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है. पुलिस मॉब जो कि क्राउड है, जो कि पीपल है, सराउंडिंग पीपल है, दे आर शोइंग देयर एंगर टुवर्ड्स दी पुलिस सिस्टम. क्यों भाई, पुलिस ने तो पोस्टमार्टम जो एक्सीडेंट हो गया वो कह रही थी, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी. अरे भाई ये बात डे वन पे क्यों नहीं आई, 3 तारीख को ये चीज़ रिवील हो रही है, वो भी तब. और अगर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता, वो होटल वाले की स्टेटमेंट नहीं आती दैट सी वाज द विक्टिम गर्ल वाज अकॉम्पेंड विद ए अदर गर्ल. वो कह रही थी कि पार्टी करने के जा रहे हैं. अच्छा फैमिली मेम्बर, पहले दिन ये आया कि वो काम से लौट रही थी, सभी न्यूज़पेपर में आ रही थी कि ऑन द न्यू ईयर नाइट ए गर्ल हु वाज कमिंग फ्रॉम द वर्क. अरे रात के टाइम पे कौन सा वर्क, मतलब अभी पता लग रहा है वो किसी होटल में ओयो होटल के अंदर जा रखे थे और पहले भी जा चुके थे. आई एम नॉट रेजिंग द फिंगर ओवर द करेक्टर ऑफ द विक्टिम. ठीक है, आई एक्सटेंड माई फुल सम्पति एंड आई एक्सटेंड माई कंडोलेंसेस टूवर्ड्स द फैमिली ऑफ द विक्टिम. बट लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी रही है फैमिली की भी.
जिम्मेदारी लें, ठीक है। आपके बच्चे, आपका परिवार के मेंबर रात के टाइम या दिन के टाइम भी कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, क्या इसका उनको पता नहीं था? कौन सी पार्टी वहाँ पे, और उस होटल वाले ने बताया कि वहाँ पे कोई पार्टी नहीं थी, वो सिर्फ रूम में गए थे और कोई मेल फ्रेंड भी आने वाले थे। मतलब देखो नैरेटिव कैसे सेट हो रहा है। पहले दिन नैरेटिव सेट हुआ, पुलिस सो रही थी, 12 किलोमीटर तक उसको घसीटा गया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब वो काम से लौट रही बच्ची को एक्सीडेंट से लड़कों ने घसीटा, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है। सेक्सुअल हरासमेंट का जो जो एक ऑप्शन था वो रूल आउट हो चुका है, ठीक है। वो ड्रंक थे, ठीक है, हो सकता है उनको पता ना लगा हो, ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई, अगर जो कल्प्रिट होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल मतलब इस टाइप के ऑफेंडर होते हैं, वो क्राइम को करने के बाद अपने एविडेंस को छुपाते हैं, यूं रोड से घसीटते हुए नहीं चलते हैं। आई एम नॉट टेकिंग द साइड ऑफ दोज एक्यूज्ड, ठीक है। लेकिन देखो, इससे जो एक ओपिनियन है, एक फॉरेंसिक मतलब साइकोलॉजी होती है, ठीक है, एक क्रिमिनल साइकोलॉजी जो होती है ना, वो ये होती है कि जो एक्यूज होता है क्राइम करने के बाद, जल्दी से जल्दी जो क्राइम के एविडेंस है उसको हाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। मेरे को नहीं लगता ये जो पर्सन थे ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ठीक है। इतने इंटॉक्सिकेटेड होंगे शायद, इन्हें अब कॉन्शियसनेस ही नहीं रहा होगा कि गाड़ी के नीचे क्या हो रहा है, गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। मे बी उसकी जो फ्रेंड थी, अगर वो सही टाइम पे अलार्म रेज करती, वो कहती कि यहाँ पे वो है, या फिर एटलीस्ट सी कुड हैव अप्रोच टू द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे को नहीं लगता कि सोसाइटी इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो गई है, सब कुछ पुलिस के ऊपर हर बात का ठेकरा फोड़ देना। देखो ये इशू चल रहा था, कई दिन से चल रहा था, डे वन से मेरे दिमाग में चीज़ आ गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे मतलब लड़की को घसीटा गया। अब कह रहे हैं कि उसके स्कल नहीं मिला, उसकी बॉडी में बैकबोन इंजर्ड थी। अब वो लड़की कह रही है कि वो सी वॉज क्राइंग, वो जो लड़की जो नीचे फंस गई थी वो चिल्ला रही थी, उसने सुना नहीं। अरे भाई, पहले ये लड़की कहाँ गई थी? कह रहे वो सीसीटीवी होटल वाले कि इनका झगड़ा भी हुआ था। डे वन पे इसने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया? कह रही थी डर के मारे इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सारी मीडिया साइलेंट हो गई है, मीडिया भी उसी के स्टेटमेंट को एज इट इज़ रख रही है, कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा कि भाई ऐसा क्या डर गई है। और दोस्त भाई साहब, दोस्त मत बनाइए, दुश्मन ही बनाइए। एटलीस्ट आप अलर्ट तो रहोगे, कम से कम धोखा होने की आपको अफसोस तो नहीं होगा। दुश्मन जो करेगा वो करेगा, सामने से करेगा, पीछे से करेगा, तब भी चलेगा कि पता है हाँ भाई दुश्मन था, उससे और कुछ एक्सपेक्ट हम कर भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन दोस्त कैसे उसको दोस्त बोल सकते हैं? वो लड़की आई, मर रही है वो बेचारी, साथ में थी, उसकी स्कूटी पे दूसरे की, मतलब आप देखिए, सर्विस ले रही है, उसकी सर्विसेज को एंजॉय कर रही है, ठीक है, उसकी स्कूटी का के ऊपर बैठ के वो मूव कर रही है। एक्सीडेंट हो गई तो ओके बाय टाटा। ये मेरे ख्याल से लड़कों में ऐसा नहीं होता होगा, लड़के दोस्तों के लिए जान भी देते हैं, ठीक है। दूसरे, और ये तो फितरत होती है, अगर दोस्त की लड़ाई होती है ना, मतलब बॉयज़ के अंदर क्या होता है, कुछ दिन के बाद जिस दोस्त की लड़ाई हो रही होती है जिसके साथ, वो दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जो फ्रेंड होता है वो तो हमेशा के लिए कन्नी काट लेता है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता ऐसा ये लड़कों के साथ ऐसा होता है, लेकिन देखो मैं एक फेयर ओपिनियन रख रहा हूँ, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे देखो गुस्सा है, जो विक्टिम के साथ हुआ गलत हुआ, और जो लड़कों ने किया वो भी गलत किया, लेकिन सबसे गलत उस लड़की का है जिसको उसका दोस्त बताया जा रहा है। आपका इसमें क्या ओपिनियन है? क्या मैं सही हूँ, कितना गलत हूँ? अपनी राय कमेंट में इसके अंदर आप छोड़ सकते हैं। ओके, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।